बसमिल रहीकम लेक्चर कंटेंट्स आर लीनियर पार्शल डिफेंशल इक्वेशंस कोजाई लीनियर पीडीज होमोजीनीस पीडीज़ नॉन होमोजीनियस पीडीज क्लासीफिकेशन ऑफ़ पीडीज इसमें जो नई चीज़ जो है वो कोजाई लीनियर इक्वेशंस हैं ये इससे पहले शायद आपने ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं क्या होती हैं और उनकी क्लासिफिकेशन और फिर आगे चल के हम देखेंगे उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है तो आज हम ज़रा इसकी डेफिनेशन जो है वो करते हैं लीनियर पार्शियल डिफेंशल इक्वंस इफ दिपेंडेंट वेरियबल एंड ऑल इट्स पार्शियल इन एनी पी दैन सच एन इक्वेजन इज कॉल्स लीनियर पी डी अदरवाइज अनियर पी डी अब ये जो कहा जा रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सारे पार्शल डेरिवेटिव्स वो लीनियरली अगर करते हैं उसका मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी पावर वन ही होगी बस और जो पार्शल डायरेवेटिव हैं उनकी पावर जो है वो भी हमारे पास वन ही होगी

ये डिफेंशल देखें पार्शियल ये इसमें आप देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो खैर है ही नहीं है बच्चा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है ये है पार्शल स्केयर यूर एक्स एक्सकेयर डबल डेरिवेटिव है लेकिन इस और इस डेरिवेटिव की पावर वन ही है यह गौर करें कहीं इसको पावर टू ना समझ लें डेरीवेटिव जो है वह टू है लेकिन पावर वन ही है इसी तरह ये डेरेवेटिव जो है इसका ऑर्डर वन है लेकिन और इसकी पावर भी वन ही है इसलिए ये आप ये कहेंगे कि डेरिवेटिव्स जो हैं वो लीनियरली इन्वॉल्व हैं इसी तरह अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ भी एक्स स्केयर प्लस बाईस स्केयर मल्टीप्लाइड तो हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका डेरिवेटिव uh, है वो उसका उसकी पावर वन है इसी तरह डबल डेरिवेटिव की भी पावर वन है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर भी वन ही है तो ये जो दो लीनियर ये दो आई थी नंबर नंबर टू और थ्री जो दो दोनों लीनियर हैं ये फोर में इशू है फोर में एक तो यहाँ इशू आ गया है कि ये जो डेरिवेटिव है और उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है ना सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्क्वेयर भी है तो एक तो इस टर्म की वजह से इससे पहले भी टर्म एक मौजूद मुझे नजर आ रही है उसकी वजह से भी ये लीनियर नहीं रही है नॉन लीनियर होगी क्यों नॉन लीनियर होगी है क्योंकि डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल अब जो है लीनियरली लीनियरलीवॉल्व नहीं है ठीक है ना डेरिवेटिव जो है उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड है तो अब लीनियरली नहीं है इसी तरह एक तो यहाँ पे ये यह नज़र आ रहा आपको कि स्क्वायर है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर टू आ गई है इसी तरह यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इस डेरिवेटिव के, के साथ मल्टीप्लाइड हो गया है यहाँ भी एक मसला खराब है

नॉन लीनियर डिफेंश इक्वन वाई दिस इज नॉन लीनियर डिफेंशियल इक्वन बिकॉज एंड पावर इज टू तो जब भी डेरेवेटिव uh, की पावर वन से ज्यादा वन के अलावा हो जाएगी तो फिर वो लीनियर डिफेंशियल इक्वन नहीं रहेगी तो so, ये लीनियर नहीं है तो so, जरा फिर ये हम इसको देखते हैं कि इक्वेजन टू एंड थ्री आर लीनियर वेर एज फोर एंड फाइव आर

now look at the example in order to clear the concept look at here is it linear no this is not linear differential equation why this is not linear differential equation this is not linear pd why due to the product of dependent variable and the derivative this is false this is one term which makes it non-linear even here u square and this use care. is called non-linear. But its product with derivative also makes it non-linear. Once again, here dependent variable and product derivative. Once again, due to this term, this due to involvement of this term, which is square of the derivative, this is non-linear equation. And once again, this is also non-linear due to this term. Why? Because it's a power uh, power two of the derivative.

सेकंड ऑर्डर ये है हाईएस्ट ऑर्डर एक एक तो ये इन्वॉल्व है हाईस्ट ऑर्डर एक ये है हाईएस्ट गुजराई बात है सेकंड ऑर्डर सारे ही इन्वॉल्व जो है सेकंड ऑर्डर ही हाईएस्ट है वो सारे पकड़ लेंगे अब दो चीजें देखनी है कि क्या सेकंड ऑर्डर जो डरेवेटिव है उनकी पावर वन के अलावा कोई और तो नहीं है तो ये तो बिल्कुल सिंपल केस है ये है इसकी पावर वन ही है इसकी पावर भी वन ही है और इसकी पावर भी वन ही है लिहाजा ये कंडीशन तो सेटिसफाई होगी हो हो वो नहीं हो रहा तो जब आप गौर करें यहाँ पे जो लिखा गया था इसकी जो हाइएस्ट ऑर्डर डायरेक्टर्स यहाँ पे जो लिखा गया था ये दफिशन ऑफ सच टर्म्स आर फंक्शन लोअर ऑर्डर डायरेक्टर्स यानी वो ये कहता है कि जो हाइएस्ट ऑर्डर डायरेटर्स हैं उनके जो कॉफिशर्ट्स हैं उनके वो टर्म उनमें लोअर ऑर्डर डायरेटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं लोअर ऑर्डर डायरेटर इन्वॉल्व होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि लोअर ऑर्डर डायरेटर्स लाजमी इन्वॉल्व हो डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल बजाते खुद जीरो ऑर्डर का होता है ना वो तो ये देखें ये यू जो है ये इन्वॉल्व है इसमें तो कोई इशू नहीं है हाइस्ट ऑर्डर डरेवेटव की हमने सिर्फ देखनी थी पावर वन है हाइस्ट ऑर्डर डायरेक्टिव के साथ हाइस्ट ऑर्डर डायरेक्टिव मल्टीप्लाइड तो नहीं है तो अगर तो ये दो चीज़ें नहीं है तो फिर वो लीनियरली इन्वॉल्व है तो आप अगर बड़े गौर से देखें इस डिफेंशियल uh, इक्वेजन में हाइएस्ट ऑर्डर डायरेक्टिव जो हैं उनकी पावर वन ही है और वो लीनियरली इन्वॉल्व हैं इसलिए ये डिफेंशियल इक्वेजन लीनियर ना होने के बावजूद कोजाई लीनियर डिफेंशियल इक्वेजन है होमोजीनियस पीडी होमोजीनियस डिफेंशल पीडी वो होती है जिसमें इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट ना आए कोई भी टर्म ऐसी ना हो जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो इफ ऑल द टर्म्स ऑफ द पी डी कंटेन द डिपेंडेंट वेरिएबल पार्शियल्ड होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल ये इसमें कोई दो ही टर्म है एक तो है पार्शियल स्क्वायर पार्शल स्क्शल एक्सक्र ए का वन वर्ग ए पार्शल यूर पार्शियल टी

ठीक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन और वो ना हो तो फिर राइट right साइड पे जीरो नजर आ रहा होता है जिसकी वजह से आप इसे होमोजीनियस कहते हैं एक्चुअल जो थीम है वो ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसी भी टर्म में सेपरेट ना पड़े हुए माइनस थ्री यू को लेकर राइट साइड पे ले जाए तो क्या ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगी नहीं वो होमोजीनियस रहेगी और ये अब राइट right साइड पे जीरो नहीं है तो क्या ये नॉन होमोजीनियस नहीं ये होमोजीनियस क्योंकि उसका क्राइटेरिया कुछ और है जीरो वाला क्राइटेरिया नहीं है क्राइटेरिया कुछ और है क्राइटेरिया क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो सेपरेट ना पड़े हुए हों किसी भी टर्म में नेक्स्ट जो है नॉन होमोजनियस पीडी तो इसमें तो जारी बात है फिर कोई किसी किसी एक टर्म में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट पड़ा हुआ होगा मिसाल जहां पर यह देखने एक्स स्केर प्लस वाई स्केर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट टर्म में पड़े हुए हैं अगर आप इसको उठा के लेफ्ट साइड पर रह जाए पे जीरो बन जाएगा तो क्या ये हो जाएगी नहीं नहीं होगी क्योंकि डेफिनेशन कुछ और है है डेफिनेशन ये कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी शुड नॉट अपीयर इन सेपरेटली इन एनी टर्म तो वो तो यहाँ पे दो टर्म में इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरियबल अपीयर हो रहा है एक्स भी एक टर्म है वाई स्क्र भी एक टर्म है दो टर्म में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेटली अपीयर हो रहे हैं इसलिए ये नॉन एमरजी इक्वेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीज में देखते हैं

और उसके डायरेवेटर जो हैं वो लीनियरली इन्वॉल्व हैं कोजाई लीनियर ये नहीं है अच्छा एक बड़ी दिलचस्प बात है तो मैं ये कह गया नहीं कोजाई लिनियर भी ये है हर लीनियर इक्वेशन जो है वो कोजाई लीनियर जरूर होगी लेकिन कोजाई लीनियर जो है वो लीनियर जरूरी नहीं हो देखे ना जब लीनियर डिफेंशियल क्वेजन है तो उसमें भी उसमें लीनियर डिफेंशियल क्वेजन तो सुपीरियर होगी ना कोजाई लीनियर से क्यों क्योंकि लीनियर डिफेंशियल इक्वेजन में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल को भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं डेरिवेटिव तमाम पार्शियल डेरिवेटिव्स को भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं जबकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है वो सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर है लिहाजा अगर कोई लीनियर इक्वेशन होगी तो वो कोआजाई लीनियर लाजमी होगी तो ये लीनियर है तो कोआजाई लीनियर भी है नॉन लीनियर ये नहीं है हाँ अलबत्तः लीनियर जो है वो जरूरी नहीं है कि लीनियर हो नॉन लीनियर हो सकती है ऑर्डर इसका क्या है फर्स्ट ऑर्डर है

ये भी आप राइट साइड पे जीरो है तो क्या इसे होमोजिनियस कहेंगे नहीं होमोजिनियस नहीं कहेंगे ये नॉन है क्यों नॉन ओमोजिनियस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टर्म सेपरेटली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन अ टर्म सेपरेटली ये ये फिर नॉन होमोजीनियस इसे होमजीनियस नहीं कह सकेंगे अच्छा जी अगला इसका क्या है वो बाकी की चीजें तो वही है फिर नॉन लीनियर ऑर्डर वन डिग्री वन सी पार्ट में क्या है जी ये, ये यू की प्रोडक्ट आ गई है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स के साथ तो ये लीनियर अब नहीं रही है होमोजीनियस भी नहीं है नॉन होमोजीनियस है 2x एक्स माइनस वाई सेपरेट है नॉन होमोजीनियस है नॉन लीनियर है लेकिन कोजाई लीनियर है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डायरेक्टर की पावर वन ही है तो नॉन होमोजीनियस कोजाई लीनियर ऑर्डर वन डिग्री वन नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देख लें ये आपको नज़र आ रही होगी कि शायद ये कोजाई लीनियर नहीं नहीं ये कोजाई लीनियर है हाईएस्ट ऑर्डर डरावेटर यहाँ पे थ्री है और उसकी पावर वन है और ये लीनियर नहीं रही क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो गया और इधर डिपेंडेंट दे डेरिवेटिव की पावर टू आ गई है लीनियर ये नहीं रही है नॉन लीनियर है कोजाई लीनियर है और क्या चीज़ इसमें आ जाती है होमोजीनियस ये है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट इन्वॉल्व नहीं है और डिग्री इसकी ऑर्डर थ्री और डिग्री इसकी वन है देख लें ियस है है, और नॉन लीनियर भी इसको कह सकते हैं आप और लेकिन उसने जो कि क्वेश्चन में कुजाई लीनियर पूछा हुआ है कि आप बताएं कुजाई लीनियर है कि नहीं ऑर्डर इसका थ्री है और डिग्री इसकी वन है